Hey guys, कैसे हो आप लोग? दोस्तों आज के वीडियो हम लोग बात करेंगे कि सीयर वॉल की जरूरत क्या होती है और सीयर वॉल हम क्यों यूज करते हैं इसके बारे में। चलिए तो वीडियो को शुरू करते हैं। गाइस, अगर अभी तक आप लोगों ने यूनिक सिविल ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो सबसे पहले यूनिक सिविल ऐप डाउनलोड करो, क्योंकि इसके अंदर ढेर सारे स्टडी मटेरियल्स आपको मिल जाएंगे और साथ ही साथ बहुत ढेर सारे प्रैक्टिस प्रोजेक्ट मिल जाएंगे जिनको आप ऑटो कैड स्टैट प्रो में प्रैक्टिस कर सकते हो। इसमें फ्री और पेड दोनों कंटेंट है, जो आपको पसंद आए वो आप उसको लेके यूज कर सकते हैं। सो पहले आप लोग ऐप डाउनलोड करिए। चलिए थैंक यू, अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखो यार, सीयर वॉल के वैसे तो मैंने बहुत से वीडियोस बनाए हुए हैं, बता दिया कि टाइप क्या होता है और इनको टाइप्स का क्या फायदा होता है, बट आज एग्जैक्टली प्रैक्टिकली क्या फायदा होता है सीयर वॉल का, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो प्रैक्टिकली फायदा करने से पहले एक छोटा सा एग्जाम्पल दिखाता हूँ। मेरा ये नोटबुक है, ठीक है, कौन सी कंपनी का पता नहीं, बट ये नोटबुक है मेरा। मैं इस पे जो भी आपसे पढ़ता हूँ, आपके जो कमेंट्स होते हैं उन सबको लिखता हूँ, जो भी पढ़ना रहता है सब पढ़ता हूँ। ये नोटबुक है, मान लो ये बिल्डिंग है, क्या ये बिल्डिंग है, और ये बिल्डिंग जो है इस पर अर्थक्वेक का इफेक्ट आने वाला है या फिर कोई भी इफेक्ट आने वाला है, ठीक है। अब हमको पता चला कि इफेक्ट आने वाला है, तो अब बिल्डिंग पूरी की पूरी गिर जाएगी, तो अब तो बैलेंस नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि मान लो कि इधर थोड़ा सा हुआ तो चलो डैमेज हो जाएगी, इधर से हुआ डैमेज हो जाएगी, इधर से भी हुआ थोड़ा सा डैमेज हो जाएगी बिल्डिंग। बिल्डिंग में याद रखना, कभी भी जब अर्थक्वेक आता है तो अर्थक्वेक सबसे पहले ब्रिक पे इफेक्ट करता है, जो ब्रिक का पोर्शन होता है, उसके बाद ज्वाइंट्स पे जाता है, ज्वाइंट्स के बाद कॉलम की तरफ जाता है, तो इस तरीके से जाता है अर्थक्वेक। अब मान लो ये बिल्डिंग है और इस बिल्डिंग पे इफेक्ट आने वाला है भाई, तो इफेक्ट आने वाला है उससे पहले ही हमको पता चल गया, तो हमने पहले एक सिक्योरिटी तैनात कर ली। मेरे पास ये है, ठीक है, इससे मैं अपने बाल सही करता हूँ, तो मेरे पास ये है, ठीक है। अब इसको गलत वे में मत ले लेना यार कि क्या बोलते हैं सर आप बाल सही कर रहे थे। तो अब यहाँ पर मैंने क्या किया, इस सीयर वॉल को लगा दिया, ये क्या है, ये सीयर वॉल का काम कर रहा है और ये बिल्डिंग है। अब क्या होगा, अब गिरा के दिखाओ तुम। जब तुम गिराओगे इस बिल्डिंग को तो क्या होगा, ये गिरने नहीं देगा, ये बोलेगा हम बहुत वफादार है, जैसे मोदी जी के कुछ भक्त है, ठीक है, तो ये बोला है कि हम बहुत वफादार हैं, ठीक है। अब अगर हम वफादार हैं तो हम तो हटेंगे नहीं, ठीक है, हम हटेंगे नहीं तो क्या होगा, ये बिल्डिंग गिरेगी नहीं, ठीक है, सरकार नहीं गिरेगी, ठीक है। तो अगर इस तरीके से अगर बिल्डिंग नहीं गिरेगी तो क्या हो जाएगा, बिल्डिंग की लाइफ बढ़ती चली जाएगी, समझ रहे हो। तो सीयर वॉल का भी कुछ ऐसे ही काम होता है। सीयर वॉल का सबसे मेन जो काम होता है, जो लैटरल फोर्स आ रहा है उसको रेजिस्ट करने का होता है। लेटरल फोर्स अभी आया ना इस बिल्डिंग पर, लेटरल फोर्स, तो पीछे से क्या लगा दिया हमने, एक सीयर वॉल लगा दिया, अब गिरा के दिखाओ, ठीक है, तो रजिस्ट करने का काम करता है। दूसरा क्या काम करता है, दूसरा काम करता है कि अगर ये बिल्डिंग ऐसे ऐसे बिल्डिंग है, ठीक है, इस बिल्डिंग में ऐसे ही टॉर्जन का इफेक्ट आने का चांस हो रहा है, क्या हो रहा है, सपोज बिल्डिंग को ऐसे कर देते हैं, टॉर्जन का इफेक्ट ऐसे आने का चांस कर रहा है, ठीक है। अब अंदर ये है, अब क्या करेगा, हम इसको टॉर्जन इफेक्ट करने ही नहीं देगा, क्यों, ये घूमने की कोशिश करेगा ना, और ये क्या कर रहा है, जो सीयर वॉल है ये क्या कर रहा है, टॉर्जन इफेक्ट्स को कम कर रहा है। तो किसी भी बिल्डिंग में अगर टॉर्जन आ रहा है तो आप एक कॉर्नर पे अगर सीयर वॉल लगा दिए, बिलीव करो तुरंत ही टॉर्जन इफेक्ट्स कम हो जाएगा, मतलब ट्विस्टिंग बिल्डिंग्स में कम हो जाएगी। इसके लिए भी यूज करते हैं सीयर वॉल। ज्यादा ट्विस्टिंग होती है उसके अलग अलग कॉन्सेप्ट और है, कभी और डिस्कस करूंगा ब्रेसिंग्स वगैरह के बारे में, ब्रेसिंग्स लगा देते हैं, बट कम ट्विस्टिंग है आप सीयर वॉल से कंट्रोल कर सकते हो, और दूसरा लेटरल जो फोर्स है उसको रजिस्ट कर ही सकते हो। अब सीयर वॉल के जो अलग अलग टाइप है उसमें जो इम्पोर्टेंट, सबसे ज्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है, वो एक कोर टाइप है और एक है रेक्टेंगुलर सीयर वॉल। कोर टाइप आप लोगों ने देखा होगा कहाँ पर लगाते हैं, वो लगाते हैं स्टेयरकेस पे तो लगाते ही है, दूसरा हम लोग अपने लिफ्ट के तीनों साइड से लगाते हैं, लिफ्ट पे लगाते हैं। अब ये लिफ्ट पे जब लगाते हैं तो तुमने कभी देखा होगा ध्यान से कि लिफ्ट जो है वो हमेशा बिल्डिंग के बाहर के साइड पर ही रहती है, कोई भी लिफ्ट देखना बाहर के कॉर्नर पे ही लिफ्ट लगाते हैं। उसका फायदा क्या होता है, क्योंकि वहां पर सीयर वॉल होती है, इन फ्यूचर अगर कोई भी टेंशन आता है, कोई भी अर्थक्वेक का कुछ भी लफड़ा होता है, तो कॉर्नर पे कौन है, सीयर वॉल है। सीयर वॉल इज जस्ट लाइक ए बॉडी गार्ड। अब बॉडी गार्ड क्या करेगा, घर पे कोई टेंशन आने वाला है सबसे पहले वो लड़ेगा, तो सीयर वॉल क्या करेगा, उसको रजिस्ट करने का काम करेगा। कभी विंड का प्रेशर बहुत ज्यादा आ गया, अभी साइक्लोन वगैरह आता रहता है, तो विंड का प्रेशर कभी बहुत ज्यादा हो गया, टॉर्जन होने का खतरा है ना, तो वो कॉर्नर पे खड़ा है, तो क्या करेगा, जहां पे ट्विस्टिंग होने की चांसेस है एक्चुअली में वहीं पर हमेशा सीयर वॉल लगाना चाहिए। तो कोशिश किया जाता है कि जब कभी भी आप जो समझदार स्ट्रक्चर इंजीनियर है वो क्या करते हैं, वो जहां पर ट्विस्टिंग आने का खतरा है, जहां से हॉरिजॉन्टल इफेक्ट ज्यादा आ सकता है, उसी जगह पर लिफ्ट देने की ट्राई करते हैं जो हमारे जो अच्छे अच्छे प्लानर है, और ये करना भी चाहिए, इसका बेनिफिट भी होता है। फिलहाल अभी रेरा ने रूल दे दिया है कि आपका जो स्टेयरकेस है और जो आपका लिफ्ट है दोनों साथ में होने चाहिए, मतलब पास पास होने चाहिए,
तो ये सीर वॉल का कॉन्सेप्ट होता है। सीर वॉल कभी भी ऐसे मत स्टार्ट करो कि नीचे से स्टार्ट किया फिर ऊपर जाकर रुक गए, ऊपर जाके ब्रिक वाली वॉल स्टार्ट कर दिए बनाना, गलत होगा, फिर वो इफेक्ट अपना नहीं दिखा पाएगा। तो हमेशा आपको सीर वॉल कैसे यूज करना है, सीर वॉल नीचे फाउंडेशन से थ्रू आउट द बिल्डिंग हाइट तक करना है। और इसको डिजाइन करने के लिए आप ईटीआई यूज कर सकते हो, स्टैड यूज कर सकते हो, बहुत अच्छी डिजाइन हो जाती है। अदरवाइज एक्सेल तो आपका लास्ट चांस है कि उससे भी डिजाइन कर सकते हो। होप आपको समझ में आया होगा सीर वॉल का यूज। ऐसे ही मैं छोटे छोटे आपके टॉपिक्स को क्लियर करता रहूंगा। आप टॉपिक के बारे में, जो भी नेक्स्ट टॉपिक के बारे में जानना चाहते हो, नीचे कमेंट करते रहना, तो मैं आपको उसका आंसर भी बताता रहूंगा। हो सकता है मुझे नहीं पता होगा तो मैं आपको अरेंज करके आंसर दूंगा, बट जो भी होगा बेहतरीन और आसान शब्दों में आप तक पहुंचाने की हमेशा कोशिश किया है, अभी भी करूंगा। चलिए एक क्वेश्चन आपसे फिर से पूछ लेता हूं कि क्वेश्चंस, क्योंकि देखो क्या होता है कि क्वेश्चंस पूछेंगे तो उसे फायदा होगा कि आपको पता तो चलेगा कि यार हमको कितना आता है। ये सुपर डेड लोड आपने सुना होगा नाम, सुपर डेड लोड, इसके अंदर कौन कौन से टाइप्स के लोड लिए जाते हैं, उनको डेड लोड में क्यों नहीं जोड़ते हैं, तो सुपर डेड लोड के बारे में नीचे कमेंट करो, जिसके भी पता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।